फ्रेंड्स, दिस इज राज अमित भानुशाली इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज मैं आपको अपने चैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। माय चैनल नेम इज रिव्यू बाजार। हाँ दोस्तों, ये रिव्यू बाजार में आपको एग्जैक्टली क्या देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सर्विसेज के रिव्यूज देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात की जाए पहली वीडियो की, तो आज एक ऐसा प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, स्पेशली बाइकर्स। ओके, सो एक ऐसा एसेंशियल प्रोडक्ट है सेफ्टी के कंसिडरेशन में, जो हमें हर बार अपनी बाइक चलाते समय यूज करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आपने गेस कर लिया है दोस्तों, दैट इज आज मेरे साथ एक ऐसी रिनोट ब्रांड का हेलमेट। हाँ जी दोस्तों, ये है एक स्टड का हेलमेट। तो चलिए पहले गौर कर लेते हैं ये हेलमेट के बारे में, इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से, बाद में इसके रिव्यूज के बारे में जानेंगे। जैसे कि बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोडक्ट लेते समय हम क्या देखते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसे कि मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बात करूं, तो बहुत एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है। नो डाउट एक ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट है ये, जो बहुत रिनाउंड है इंडियन मार्केट में, बहुत सालों से है, दैट इज स्टड। तो इसकी क्वालिटी के बारे में तो आप कुछ भी डाउट नहीं रख सकते। बात करूं इस हेलमेट की, तो इसमें दो वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन के लिए दो यहाँ पर स्लॉट दिए गए हैं ऊपर की तरह, जिनको आप बंद और खोल सकते हैं आपके यूजेस के हिसाब से। और एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए स्लॉट दिया गया है, ताकि हेलमेट के जो अंदर आप आराम से सांस ले पाए और ऑक्सीजन लेवल की कोई कमी ना हो अंदर। सेकेंडली मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रिप क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और ईजी टू रिमूवेबल है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको ओपन करते हुए और इसको लॉक करते हुए। थर्ड थिंग इसकी बात करूं तो इसकी वाइजर जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का दिया गया है, और ये वाइजर इस तरह से दिया गया है कि इसमें कोई स्क्रैच लगने का कोई टेंशन नहीं और कोई स्क्रैच लगने की संभावना नहीं। सेकेंड थिंग, इसका एक बेस्ट फीचर है दोस्तों, इसका एक बेस्ट फीचर ये है कि आप इस वाइजर को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक प्रेस बटन दिख रहा है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो इजीली ये वाइजर यहाँ से निकल के आता है। आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। यहाँ से हम प्रेस करेंगे इसको, देखिए दोस्तों कितना आसानी से ये वाइजर निकल के आया। अब ये फीचर आपको मोस्टली हर एक हेलमेट में तो नहीं मिलता है, पर ऐसे ब्रांड से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ये फीचर का। साथ में इसको लगाना भी बहुत इजी है, ये देखो जस्ट आप इसको प्रेस कर दो और ये अंदर चला गया, इस साइड से भी आप प्रेस कर दो ये अंदर चला गया। दोस्तों हेलमेट की जो कुशन है अंदर की, वो ऐसी बेहतरीन क्वालिटी की है, आपको कोई भी 2000 रुपीज के अंडर के
हेलमेट में आपको ये कुशन मिलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों ये देखिए, आप इसके अंदर वेलवेट कुशनिंग दी गई है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है वेलवेट कुशनिंग। आप देख सकते हो, शायद आपको कैमरे में क्लियरली नहीं दिखेगा, पर दोस्तों इसके अंदर वेलवेट कुशनिंग दी गई है। सेकेंड थिंग दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, इतने कम प्राइस में स्टड जैसी ब्रांड और इतने अच्छे ग्राफिक के साथ आपको एक ऐसा फीचर दे रही है जो नॉर्मल हेलमेट्स में देखने नहीं मिलता है, वेगा को छोड़ के। तो देखिए, इसके अंदर आपको वाइजर टेक्नोलॉजी भी मिलता है, ड्यूअल वाइजर टेक्नोलॉजी मिलता है। अगर आप धूप से जा रहे हो कहीं और धूप में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इसको यहाँ से नीचे करके, इसको स्लाइड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आप गॉगल्स यूज़ करते हो डेली डे में। पर गॉगल्स आपकी सेफ्टी से कोई रिलेशन नहीं रखता, यहाँ पर आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी और आपको गॉगल्स वाला भी फील आएगा। ओके, सो ये बात हुई हेलमेट की। अब दोस्तों मैं प्राइस की बात कर दूं, तो ये हेलमेट ऐसी एक रेंज का है जो जिस रेंज में इसको टक्कर देने वाला कोई भी हेलमेट नहीं है। और आप अगर 500,000 और भी डाल देते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको टक्कर देगा। तो दैट द प्राइस इज ओनली 1900 रुपीज, दैट इज इंडियन करेंसी, 1900 इंडियन करेंसी। ओके, सो ये 1900 रुपीज का हेलमेट है। दोस्तों मुझे पता है यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार, फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम हेलमेट में, आज की जनरेशन को हेलमेट सेफ्टी के लिए चाहिए नो डाउट, पर हमें लुक्स भी चाहिए, क्योंकि हमारी बाइक भी वो टाइप की स्पोर्टी लुक वाली होती है। तो ये जो हेलमेट है, ये ग्राफिक डिजाइन में आता है और मैट कलर में आता है। मेरी बाइक दोस्तों ब्लू कलर की है, तो मैंने ब्लू कलर चूज किया है। इसमें और भी कलर वेरिएंट्स है, जैसे ऑरेंज भी है, ब्लैक भी है, और बहुत वेरिएंट्स है। आप जाके अमेजोन पे चेक कर सकते हो, लिंक यहाँ पर नीचे दी गई है। सेकेंड थिंग, ये जो हेलमेट का जो स्ट्रक्चर है, इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न टाइप का हेलमेट है। जो पुराने टाइप के जो राउंड हेलमेट थे, ये उनसे सिमिलर है, पर लेकिन इसमें जो कर्व्स दिए गए हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए, ये इसे मॉडर्न एरा में स्टैंड करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आपको ये हेलमेट 1900 में ज़रूर मिल जाएगा, पर अगर ये हेलमेट का आप कंपेरिजन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई हेलमेट इसके कंपेरिजन में आता है। हाँ, आपको स्टील बर्ड के हेलमेट्स मिल सकते हैं, पर दोस्तों, तो फ्रेंड्स, इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज स्टील बर्ड के प्रोडक्ट। उसके भी ग्राफिक बहुत अमेजिंग है, लेकिन फ्रेंड्स, मैंने जैसा सर्वे किया, मैंने बहुत दुकानों में जाकर देखा, तो मुझे इसकी जो क्वालिटी लगी, इसका जो बिल्ड लगा, वैसा स्टील बर्ड का बिल्ड नहीं है। लेकिन वो अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा, और ये अपने प्राइस सेगमेंट में तो बेस्ट ही है। तो दोस्तों, इसमें जो कुशनिंग है, आपको और एक इसका फीचर बता दूं कि जो कुशनिंग है, ये निकलती भी है, आप इसको निकाल कर वॉश भी कर सकते हो। दोस्तों ये कुशनिंग को बहुत बार होता है कि हम हेलमेट बहुत दिन से यूज करते हैं, तो अंदर फंगल होने की संभावना होती है और अंदर स्मेल आती है। तो ऐसा फीचर मुझे नहीं लगता कि कोई 2 से 3 हज़ार के बजट वाला कोई हेलमेट दे पाएगा। दोस्तों इसके अंदर कुशनिंग आप आराम से निकाल सकते हो, उसको साबुन या कहीं से भी पानी वगैरह से धो सकते हो और फिर वापस से लगा सकते हो, तो वही फ्रेशनेस आपको न्यू जैसी मिलेगी। ओके, और थर्ड थिंग मैं बात करूं, तो ओवरऑल अब ये प्रोडक्ट को 10 में से कितने रेटिंग्स मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 रेटिंग मिलने चाहिए, क्योंकि एक दिन मैंने ये प्रोडक्ट यूज भी किया है। इसकी फिटिंग भी बहुत अमेजिंग है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में जो प्रोडक्ट आप पहन के चलते हो, तो रोड पे भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लोग देखते हैं कि मतलब बहुत, ये ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि ये 1900 या 2000 का हेलमेट होगा, देखने से ऐसा लगता है कि ये मिनिमम 4 to 5000 का हेलमेट होगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का एक प्रोडक्ट, अभी ये शुरुआत है मेरे वीडियो की, यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, प्लीज लाइक, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कुछ भी आपको अगर चाहिए कि मेरे इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो डाउन बिलो। और फ्रेंड्स, ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी सर्विसेज का रिव्यूज मैं आप तक लेके जाऊंगा, ताकि आप अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो वो सही हो आपके लिए और आपके लिए पैसों से भी वर्थ हो, और क्वालिटी वाइज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा और मैं और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सर्विसेज के रिव्यूज आप तक लेके आऊंगा, जिससे आपको अच्छे प्रोडक्ट खरीदने में मदद होगी और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेरे वीडियोज द्वारा सुन सकोगे और महसूस कर सकोगे। थैंक यू।